Assalamualaikum viewers and welcome to Hibas Cosmos. आज जी मैं आप लोगों के लिए रिवाज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ओवरव्यू दूंगी जो पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैंने दोबारा से उनका ऑर्डर दिया था और मंगवाया था। ये अभी अभी मेरे पास TCS पहुँचा है और मैंने अभी एक खोला भी नहीं। मैंने कहा आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं ये है क्या क्या है। एक तो जी है प्राइमर, जो कि हम लोग मेकअप से पहले अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर, ओनली 2 ड्रॉप्स। एक ये है जो बिफोर बेस हम यूज़ करते हैं। दूसरा है जी हमारा मेकअप फिक्सचर, ये आफ्टर जब आपने मेकअप कर लिया, आफ्टर डूइंग योर होल ऑफ द मेकअप, आप फिर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये दो चीज़ें जी इन लोगों की बेस्ट। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसका अप्लाई करने का तरीका और छोटी छोटी टिप्स भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। बताती हूँ इस प्राइमर की। ये प्राइमर सिर्फ आपने जब आप मेकअप करने लगें तो सिर्फ इसके 2 ड्रॉप्स आपने अप्लाई करने हैं, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑन योर फेस। उसके बाद आपने मेकअप करना है, जो आपके पोर्स खुल जाते हैं और जिस तरह से आपको ऐसे लुक आता है जैसे आपकी फाउंडेशन फट गई है, वैसा कोई भी सीन नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है इसका, इसलिए दोबारा से मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, अब अप्लाई करने का इसका तरीका देख लें। जहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं वहाँ इसको प्लेस करें थोड़ा थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, और उसके बाद जहाँ जिस डायरेक्शन में एरो का निशान है वहाँ पर आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में रब करना है ऑन योर फेस। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि आपने सिर्फ पी साइज्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लेनी है और उसको अपनी फिंगर्स की मदद से पहले रब करना है, वॉर्म करना है, उसके बाद आपने फेस पर अप्लाई करना है। एक बात आप ज़रा नोट रखें, वो ये कि इनवर्ट से आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है इसकी। प्राइमर को आप हमेशा इनवर्ट से आउटवर्ड फेस की तरफ आप रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। मेकअप फिक्सर की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। आपने जब मेकअप अप्लाई कर लिया ऑन योर फेस, ईयर्स, नेक, आपने इसका स्प्रे करना है और इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपका मेकअप कितने घंटे जो है वो हिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपने फ्रेश मेकअप किया है या काफ़ी घंटे हो गए मेकअप करते हुए। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ना फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी आफ्टर अप्लाइंग, लेकिन वो लास्ट हो जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। हम स्प्रे को अब अप्लाई कैसे करेंगे देख लें। अपने फेस से ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस रख के टी एंड क्रॉस के जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आपने ये स्प्रे करना है ऑन योर फेस। बात करेंगे सनब्लॉक की। रिवाज का जो ये वाला सनब्लॉक है SPF 60, ये नया आया है उनके पास, वाइटनिंग एंड वैनिशिंग, ये बहुत अच्छा है। एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। और चौड़ा वाला आता था पहले जो SPF 90 में भी अवेलेबल था, बट दिस वन जो है इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू इट। क्यों? क्योंकि इसको लगाने से एक तो आटे वाला लुक नहीं आता, ऐसा नहीं लगता कि आपने थोपा हुआ है, आटा लगाया हुआ है मुंह के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे नेचुरल लुक है। और आप इजीली इसके ऊपर फाउंडेशन भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना तो इसके ऊपर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसका कोई भी क्रीमी लुक नहीं है जैसे पहले वाला होता था, बहुत ज़्यादा आपका क्रीमी लुक देता था। बट ये जो है इसको अच्छी तरह रब करते जाएं तो आपके जो है हाथ के ऊपर कोई क्रीमी लुक नहीं आता, ऐसा फील ही नहीं होता कि आपने ये लगाया हुआ है। मैंने अच्छी तरह ये देखिए रब किया है और उसके बाद आपको फील ही नहीं हो रहा कि ये आपने हाथ के ऊपर लगाया हुआ है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ औरतें नहीं, ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तीसरी बात, जो भी औरतें पार्टी मेकअप करना चाहें, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी आपके मेकअप हैं उनमें ये तीनों चीज़ें अप्लाई करें। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं रेगुलरली। कुछ बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं उनके लिए ये सन ब्लॉक जो है दैट इज़ द बेस्ट। प्लस ये प्राइमर और मेकअप फिक्सर ये अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, क्योंकि दीज 3 थिंग्स जो रिवाज की हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इन योर डेली लाइफ। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं की लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ें यूज़ करके आपको कैसी लगी। थैंक यू।